हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, वीडियो नंबर 16। हम लोगों ने कल जो वीडियो देखा था, वीडियो नंबर 15, वहां हम लोगों ने तीन तरह के गुड्स के बारे में पढ़ा था। पहला तो था कंज्यूमर गुड्स, जिसमें हमने बोला कि सर कंज्यूमर जो कंज्यूम करेगा, चाहे कुछ भी कंज्यूम करे, मिल्क, शुगर, कार, टीवी, फर्नीचर, फ्रिज, कुछ भी है वो कंज्यूमर गुड्स होगा। सेकेंड हम लोगों ने देखा सर कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर की फिक्स एसेट कैपिटल गुड्स होती है। और तीसरा देखा था प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब यू कहें कि जो भी प्रोड्यूसर खरीदता है प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदे, सामग्री मैंने बोला था, चाहे वो रॉ मटेरियल खरीदे, चाहे वो कैपिटल गुड्स खरीदे, उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स। अब आज हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, जिनके चांसेस है कि सर बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सर ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, डू यू एग्री। सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते, क्या आप लोग एग्री करेंगे क्या। कैपिटल गुड्स मतलब तो फिक्स एसेट, और प्रोड्यूसर गुड्स मतलब क्या कि प्रोड्यूसर के पास जो भी सामान रखा हुआ है, रॉ मटेरियल प्लस फिक्स एसेट। तो इसका मतलब क्या सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स होंगे क्या, नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सही बोला है। तो पहली बात तो इसका आंसर क्या होगा, यस। अब हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं कि सर प्रोड्यूसर गुड्स में क्या क्या आएगा। अगर हम बात करें प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, या रॉ मटेरियल प्लस फिक्स एसेट्स। ये इसमें क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल प्लस कैपिटल गुड्स, और कैपिटल गुड्स अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स में सिर्फ क्या आती है, फिक्स एसेट आती है, और कैपिटल गुड्स एक नैरो टर्म है एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर गुड्स। तो सर बिल्कुल सही बोला, सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सर देयर आर चांसेस कि उस कैपिटल गुड्स के साथ में रॉ मटेरियल भी पड़ा होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में दोनों चीजें आ जाती है, रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड्स। क्लियर है, आया समझ में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, जितनी भी मशीनें होती है उनको आप कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते। देखो कैपिटल गुड्स की जो टर्म है ये किसके रेस्पेक्ट में यूज की जाती है, प्रोड्यूसर के रेस्पेक्ट में। कैपिटल गुड्स वाली जो टर्म है ये प्रोड्यूसर के रेस्पेक्ट में यूज की जाती है, मतलब प्रोड्यूसर की जो फिक्स एसेट है वो कैपिटल गुड्स है। एक एग्जांपल देता हूं, एक ड्राई क्लीनिंग वाला है, उसके पास में वॉशिंग मशीन रखी हुई है। वो ड्राई क्लीनिंग वाले के पास जो वॉशिंग मशीन पड़ी है वो कौन सा गुड्स कहलाएगा, कैपिटल गुड्स। और एक वॉशिंग मशीन आपके घर में पड़ी हुई है, वॉशिंग मशीन सेम है, सेम कलर है, सेम डिजाइन, सेम चीज है, एक वॉशिंग मशीन तो रखी हुई ड्राई क्लीनिंग वाले के पास में, तो वो उसके लिए कौन सा गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स। एक वॉशिंग मशीन आपके घर पर पड़ी हुई है आपके पर्सनल यूज के लिए, वो कौन सा गुड्स होगा, आप यूज कर रहे हो अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो गुड्स कहलाएगा कंज्यूमर गुड्स। तो जरूरी नहीं है कि सर सारी मशीनें कैपिटल गुड्स हो, अगर मशीन को यूज करने वाला प्रोड्यूसर है तो वो कौन सा गुड्स हो गया, प्रोड्यूसर गुड्स, ये जो कहें कैपिटल गुड्स। और मशीन को यूज करने वाला कंज्यूमर है तो वो कौन सा गुड्स हो जाएगा, कंज्यूमर गुड्स। यहां पे देखना क्या है, एंड यूजर कौन है हमारे को, यहां पे मेन मतलब किससे है, एंड यूजर कौन है। अभी देखो एंड यूजर, अगर किसी भी मशीन का एंड यूजर अगर प्रोड्यूसर है तो वो कौन सा गुड्स हो जाएगा, कैपिटल गुड्स। पर अगर किसी भी मशीन को यूज करने वाला एंड यूजर उसका कंज्यूमर है तो वो गुड्स कौन सा हो जाएगा बेटा, कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है, तो स्टेटमेंट में क्या बोला, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, सही बोला है। तो यस वी एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इफ अ मशीन इज यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर देन इट इज क्लासिफाइड एज कैपिटल गुड्स, बट इफ द सेम मशीन इज बीइंग यूज्ड बाय कंज्यूमर देन इट विल बी क्लासिफाइड एज कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है, आप सभी लोगों को क्लियर है, एक बार वापस देख लेते हैं। सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते, बिकॉज प्रोड्यूसर गुड्स इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू कैपिटल गुड्स। क्लियर है, और यहां पे हमने बोला कि सारी मशीन कैपिटल गुड्स नहीं होती है, रीजन बीइंग इट डिपेंड्स ऑन द एंड यूजर हु इज यूजिंग द गुड्स, इफ अ मशीन इज बीइंग यूज्ड बाय प्रोड्यूसर देन इट वुड बी क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर गुड्स, but if it is being used by consumer then it would be classified as consumer goods। clear है,
सभी लोगों को क्लियर है? एक बार आप फटाफट देख लीजिए, पॉज कर देता हूं, अगर आप में से किसी को नोट डाउन करना फटाफट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होगा? फाइनल गुड्स मतलब वो सारे गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है। वो सारे गुड्स जिन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है, मतलब अब उनपे कोई और प्रोडक्शन नहीं हो सकता, कोई और वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? फाइनल गुड्स मतलब क्या, वो सारे गुड्स जिनका जिनके ऊपर सारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और जिनके ऊपर कोई भी वैल्यू एडिशन पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? और जिनको जो रेडी है यूज करने के लिए बाय दियर फाइनल यूजर्स। सुनना, मैं बोल रहा हूं सिर्फ फाइनल गुड्स का मतलब, वो गुड्स जिनकी प्रोडक्शन से बाउंड्री लाइन से आगे निकल चुके हैं, इसका मतलब अब उन पर कोई और प्रोडक्शन नहीं होगा, उसके अलावा ना ही उन पर और कोई वैल्यू एडिशन होने वाला है। मतलब अगर ये पेन किसी शॉपकीपर के पास पड़ा है जो स्टेशनरी वाला है, तो क्या ये पेन उस स्टेशनरी वाले के लिए फाइनल गुड्स कहलाएगा क्या? देखो, इस पे प्रोडक्शन कंप्लीट है, कुछ और प्रोडक्शन नहीं होने वाला है, बट अगर इस पेन पे वैल्यू एडिशन बाकी है तो क्या ये फाइनल गुड्स कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने का मतलब है वैल्यू एडिशन बाकी नहीं होना चाहिए। आया समझ में? ठीक है, अब देखो क्या बोला है, प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, वैल्यू एडिशन, और यहां पे लिख देता हूं मैं दैट एंड वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड, वैल्यू नहीं एड होनी चाहिए उसकी। और एंड क्या बोला है, वो रेडी टू यूज पड़े होंगे गुड्स टू यूज बाय दियर फाइनल यूजर्स, और उनको यूज करने वाला कौन है? बाय दियर फाइनल यूजर्स, फाइनल यूजर्स यूज करने के लिए रेडी बैठे हैं। अब देखो, फाइनल यूजर दो तरह के हो सकते हैं, एक तो यूजर कौन, कंज्यूमर, एक यूजर कौन हो सकता है, प्रोड्यूसर। अगर किसी गुड्स को फाइनली कंज्यूमर यूज कर रहा है, फाइनली कंज्यूमर यूज करने का मतलब हुआ कि ऐसे गुड्स जिसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, वैल्यू एडिशन कंप्लीट है, अब और वैल्यू एडिशन नहीं होगा, और फाइनली कौन यूज कर रहा है, कंज्यूमर, तो उस केस में ऐसे गुड्स को क्या बोलेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। जो भी गुड्स कंज्यूमर यूज कर रहा है, जिसका प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, जिस पर वैल्यू एडिशन नहीं बाकी है, और अगर कंज्यूमर ही फाइनली यूज करेगा, तो वो कौन से गुड्स कहलाएंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है? एक बार देखो क्या बोले, गुड्स विच आर क्रॉस्ड बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड, बाउंड्री लाइन क्रॉस हो चुकी, प्रोडक्शन कंप्लीट है, वैल्यू एडिशन नहीं होगा, एंड रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स, और रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। अगर फाइनल यूजर कंज्यूमर होगा तो क्या करेंगे, अगर फाइनल यूजर कंज्यूमर है तो उस फाइनल गुड्स को बोलेंगे फाइनल कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, एग्जाम्पल मिल्क, शुगर, टी, कार, एसी, टीवी, कंज्यूमर कुछ भी खरीदता है ना, कंज्यूमर कुछ भी खरीदेगा तो वो सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदता है, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए नहीं खरीदता, और ना ही हम ये कहेंगे कि वो इसलिए नहीं खरीदता कि सर मुझे इसको आगे प्रोडक्शन करना है, इससे रिलेटेड कुछ तो बात आ रही है कि सर कंज्यूमर एज अ, अगर कोई भी पर्सन एज अ कंज्यूमर कुछ भी खरीद रहा है सेटिस्फेक्शन के लिए, तो वो सारे कौन से गुड्स कहलाते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। क्लियर है? अब सर कुछ गुड्स ऐसे भी होंगे जिनको प्रोड्यूसर खरीदेगा फाइनली, फाइनल यूजर प्रोड्यूसर भी हो सकता है। प्रोड्यूसर मैंने आपको बताया कि दो तरह के गुड्स खरीदता है, एक तो सारी सामग्री और एक मशीनें। सुनना ध्यान से, प्रोड्यूसर दो तरह की चीजें खरीद रहा है, एक तो सारी सामग्री रॉ मटेरियल खरीद रहा है, और सेकंड खरीद रहा है सारी मशीनें। रॉ मटेरियल जो भी उसने खरीदा, लेट अस सपोज मिठाई वाले का एग्जांपल लेते हैं, मिठाई वाला क्या क्या खरीदेगा सर, शक्कर खरीदेगा, दूध खरीदेगा, क्रीम खरीदेगा, हो सकता है सर ड्राई फ्रूट्स वगैरह, केसर वगैरह सब खरीदे, मशीन्स भी खरीद रहा है, मिक्सर ग्राइंडर, हो सकता है सर फ्रीजर वगैरह भी खरीदा हो उसने, बहुत सारी चीजें खरीदी होगी, बट्टी, बहुत सारी चीजें खरीदी होगी। अब समझना, जब एक मिठाई वाला रॉ मटेरियल खरीद रहा है, तो उसका रॉ मटेरियल किसी न किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होके क्या होगा, आगे बिकने के लिए जाएगा। उसने सर मिल्क खरीदा, शुगर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खरीदे, तो क्या वो फाइनली खुद यूज करेगा क्या उनको? नहीं, वो उन रॉ मटेरियल को यूज करके कुछ प्रोडक्शन करेगा, और
जो भी चीज बनेगी उसको आगे बेचेगा। तो रॉ मटेरियल का फाइनल यूजर प्रोड्यूसर तो है नहीं, क्योंकि फाइनल तो यूज करने वाला नहीं है, पर मशीनें जो उसने खरीदी, मान लीजिए कोई मिठाई वाला सर उसने मिक्सर ग्राइंडर खरीदी है, अब वो जो मिक्सर ग्राइंडर्स हैं या फ्रिज वगैरह उसने खरीदा है, क्या वो ही उसको फाइनली यूज करेगा? क्या बिल्कुल यूज करेगा? क्या वो उसको बेचने के लिए खरीद रहा है? क्या नहीं। अगर कोई भी प्रोड्यूसर ऐसे गुड्स खरीदता है जिनको कोई खुद यूज करने वाला है और उसको आगे नहीं बेचेगा, तो वो गुड्स कहलाएंगे उसके फाइनल गुड्स, प्रोड्यूसर के फाइनल गुड्स, जिनको हम बोलते हैं फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। सिंपल सरल भाषा में फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कैपिटल गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कौन से गुड्स हो गए? कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स मतलब प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट। आया समझ में? देखो क्या लिखा है, इफ फाइनल यूजर इज प्रोड्यूसर, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहेंगे उसको। और क्या बोला है, दीज आर जनरली यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स। और इनको जनरली कैसे यूज किया जाता है? एज फिक्स्ड एसेट्स। और इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मशीन्स, प्लांट्स हो गए, ग्राइंडर्स वगैरह हो गए, कोई एग्रीकल्चरल अगर बात करें बिजनेस है तो उसके लिए ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए। आया समझ में? क्लियर है। फाइनल कंज्यूमर गुड्स में सारे कंज्यूमर गुड्स ही होते हैं, और जबकि फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। क्लियर है? ये आपको क्लियर समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब इन पे जितना भी खर्चा होगा, फाइनल कंज्यूमर गुड्स पे जो भी खर्चा होगा उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, वन वर्ड में भी आ सकता है, वन मार्क क्वेश्चन के अंदर आ सकता है ये, और जब हम आगे टॉपिक्स देखेंगे तो ये टर्म बहुत आएगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब कंज्यूमर जो भी खर्चा कर रहा है कंज्यूमर गुड्स पे, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? प्रोड्यूसर जो फाइनल गुड्स पे खर्चा करता है, प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स मतलब फिक्स एसेट पे खर्चा कर रहा है, तो प्रोड्यूसर जो भी फिक्स एसेट पे खर्चा कर रहा है वो खर्चा कहलाएगा उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? अकाउंट्स वालों को थोड़ा इजीली समझना आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि सर उसने क्या किया है, अपना इन्वेस्टमेंट लगाया है बिजनेस के अंदर, और वो उन एसेट से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करने वाला है, तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फाइनल गुड्स, वो गुड्स जिसकी बाउंड्री लाइन क्रॉस हो चुकी प्रोडक्शन की, वैल्यू एडिशन बाकी नहीं है, और उनको फाइनल यूजर यूज कर सकते हैं। फाइनल यूजर दोनों हो सकते हैं, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी। कंज्यूमर फाइनल यूजर कब होगा? जब वो सारे गुड्स को सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदता है, और वो सारे गुड्स कौन से कहलाएंगे? फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जिसमें आपके मिल्क, शुगर, टी, कॉफी, कार, एसी, टीवी सब आ गया, और उसको होने वाला खर्चा कौन सा कहलाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर फाइनल यूजर प्रोड्यूसर हुआ तो वो गुड्स फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स बन जाएंगे। और ऐसे कौन से गुड्स है जिसको प्रोड्यूसर ही यूज करता है, वो आगे बेचेगा नहीं? सर उसकी फिक्स एसेट्स, जिनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो उस पे होने वाला जो खर्चा है वो कौन सा कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आया समझ में? होप आप सभी लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अगर आपको चार्ट नोट डाउन करना तो पॉज करके कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर मुझे मैसेज कर दे। हम अगली वीडियो में और भी आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।